अगर कुछ फ्री टाइम मिला है लेकिन उसको कहाँ यूज करें इस कंफ्यूजन में है तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पूरे दिन में अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिल रहा है और हम सोच रहे हैं कि उस टाइम में क्या करें, तो यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो शायद आपके काम आए। याद कीजिए लास्ट टाइम आपने अपने हॉबी को कब टाइम दिया था। हो सकता है अब तो आप भूल भी चुके होंगे कि आपकी हॉबी क्या है। पूरा दिन आप घर के काम में या वर्किंग है तो जॉब में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि आप अपनी हॉबी भूल चुके हैं। तो यहाँ पे उस टाइम को यूटिलाइज कीजिए अपनी हॉबी को याद करने में, उसको और ज़्यादा फाइन करने में और हॉबी से रिलेटेड कुछ ऐसा कोर्स करने में। तो यहाँ पे अगर आपने अब तक अपनी हॉबी को टाइम नहीं दिया है तो ये टाइम है आपको अपनी हॉबी को देने का, चाहे आपको पेंटिंग का, सिंगिंग का, ड्राइविंग का, शॉपिंग का, किसी भी चीज़ का अगर शौक है तो उसको पूरा कीजिए। और अगर कुछ नया सीखना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज सीखना चाह रहे हैं जो कि आपको लगता है कि आपको सीखने चाहिए, तो उसको सीखने का टाइम दीजिए। अभी के टाइम में हम ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज सीख सकते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो ऑनलाइन कोर्सेज कहाँ से सीखें तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि आपको यहाँ पे आई कार्ड में दिख जाएगी। तो आगे से जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो कोशिश कीजिए अपनी हॉबी को टाइम दीजिए। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपके घर में कोई अलमीरा, किचन या फिर स्टोर रूम या मंदिर जिसको कि आपने सोचा हो कि मैं साफ करूंगा, बिल्कुल क्लीन अरेंज करूंगा और हमेशा आपको सोचते ही रह गए और बहुत टाइम निकल गया, तो क्यों ना आज एक नया चैलेंज लिया जाए। अगर आज आपको टाइम मिला है तो उस चैलेंज को पूरा कर लीजिए जो बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। और जैसे ही आप उस टास्क को पूरा करेंगे आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वो चीज़ थी जो आप बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रहे थे और आज आपने पूरी कर ली। इसी तरीके से कोई ऐसा चैलेंज भी आप ले सकते हैं जिसके लिए आपको हमेशा फियर हो, हमेशा डर लगता हो कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकती, तो बिल्कुल डर के आगे जाके उस चैलेंज को आज करने की कोशिश कर लीजिए। हम सब अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि बहुत ज़्यादा नियर और क्लोज फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको फ़ोन नहीं कर पाते हैं। और अगर हम कई बार ये कंप्लेन करते हैं कि वो हमें फ़ोन नहीं करते हैं तो उसका भी एक रीज़न ये रहता है कि वो ये सोचते हैं कि हम बिजी हैं। तो क्यों ना आज जब हमें टाइम मिला है तो उन्हें कॉल किया जाए, जिनसे बहुत टाइम से हमने बात नहीं करी है आज उनसे बात की जाए। आज बहुत दिनों बाद आपको फ्री टाइम मिला है, ना तो आप किसी को कॉल करने के मूड में हैं, ना किसी काम को चैलेंज को लेने के मूड में है, तो यहाँ पे एक ऐसा टिप है जो आप यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि अपनी स्टोरी लिखें। आप ऐसी कोई भी बात जिस दिन आपको बहुत हैप्पीनेस फील हुई हो या कुछ ऐसा आपने अलग हटके किया हो तो उस स्टोरी को लिखें। मुझे याद है कि जब मेरे दादाजी मुझे कोई स्टोरी सुनाया करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अभी के टाइम में जब हम हमारे बच्चों को कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई बार हम अपनी स्टोरीज ही खुद भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम हमारी स्टोरी लिखें जिसे बाद में हमें भी पढ़ने पर मज़ा आएगा और जब हम हमारे बच्चों को वो सुनाएंगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा, क्योंकि वो बिल्कुल रियल स्टोरी होगी और उनके खुद के घर की होगी। उन्हें लगेगा कि हाँ, हमारी फैमिली में ऐसा हुआ था और इस चैलेंज को ऐसे एक्सेप्ट करा था। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बात, आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं ताकि आप फ्री टाइम को कैसे यूज करें जो आज आपको बहुत दिनों बाद मिल रहा है। तो मैं यहाँ ये बोलूंगी कि ये चारों टिप्स को अप्लाई करने का मूड नहीं है तो मत कीजिए। क्यों करना है कुछ आज इतने दिनों बाद टाइम मिला है तो कुछ मत कीजिए, कुछ भी ऐसा मूड मत बनाइए कि मुझे ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है। पूरा दिन जैसे जा रहा है वैसे जाने दीजिए। सोने का मूड है सोइए, खाने का मूड है खाइए, घूमने जाने का मूड है घूमने जाइए। तो पूरा दिन बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होकर निकालें कि आपकी कोई प्लानिंग नहीं हो, आप बार बार घड़ी नहीं देख रहे हो, आप किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हो। पूरा दिन बिल्कुल रिलैक्स होकर जैसा आपका मन कर रहा है, जैसा मूड कर रहा है, चाहे लेजी होकर पड़े रहिए पूरा दिन। लेकिन ये जो दिन आपको इतने दिनों बाद मिला है उस दिन आपको क्यों कुछ करना है, उस दिन बिल्कुल रेस्ट कीजिए ना, जैसे जा रहा है दिन उसको जाने दीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो मिले आपको सबसे पहले। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मुझे बहुत अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं और इसी तरीके से
आपका जो प्यार है मुझे मिलता जाएगा, तो मुझे भी एक मोटिवेशन रहेगा, मैं और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस लेके आती रहूँगी। और अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है जिस पे कि मैं वीडियो बना सकूँ, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।